पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सब तरफ तैयारियां भी हैं और नेता जनता को लुभाने के लिए विपक्ष की पार्टी के मुद्दे बनाने में लगे हैं। अब चुनाव होने से पहले प्रचार भी आपने सुना है, नियम भी आपने देखे होंगे, अलग अलग तरह के चुनाव आयोग द्वारा सख्ती भी आपने देखी होगी। कहीं पैसे पकड़े गए, कहीं शराब पकड़ी गई। कभी वीडियो सामने आते हैं कि चुनावी रैली के बाद जनता को नोट बांटे जा रहे हैं, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। इसी समय आपने एक शब्द भी सुना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता। आचार संहिता लग गई है, अब किसी तरह का कुछ काम नहीं होगा। तो जानते हैं आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नवी न्यूज। चुनाव के समय आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू की जाती है, जिसे चुनाव आचार संहिता भी कहते हैं। अधिकतर लोगों को आचार संहिता के विषय में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो इसका उल्लंघन करते नजर आते हैं। भारत में चुनाव का आयोजन जब भी होता है, वहां पर आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है और चुनाव की तारीखों के साथ ही इसकी घोषणा कर दी जाती है और ये नतीजे आने तक जारी रहता है। आचार संहिता के समय राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कुछ विशेष और सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। आचार संहिता लगने के बाद व्यापक धाराओं से दंगे व झगड़े, जो चुनावी माहौल में बहुत ही आम बात है, उनको नियंत्रण में लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों को बड़ी सख्ती से पालन कराती है और किसी भी प्रकार की अनियमितता देखने पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश उस क्षेत्र के अधिकारी को देती है। सुनिश्चित भी करता है कि चुनाव सही प्रकार से संपन्न हो रही हो। अब सबसे पहले जानते हैं कि आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में। आचार संहिता को भारतीय चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है, जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों का मानना अनिवार्य माना गया है। आचार संहिता का अर्थ उन नियमों से है जो उस समय अस्तित्व में आते हैं और उनके द्वारा ही पार्टियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाती है। अब जानते हैं आचार संहिता के नियम, कानून और प्रावधान क्या है। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण, शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली नहीं की जा सकती। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है। आचार संहिता लगने पर धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं की जा सकती। अब आपको बताते हैं आचार संहिता कब लगाई जाती है। आपको बता दें, चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और ये चुनाव के परिणाम के साथ ही समाप्त हो जाती है। चुनाव के शुरू होने से पहले ECI द्वारा चुनावी क्षेत्र में ये लगाई जाती है, लेकिन आचार संहिता के नाम पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मंत्री जनता के कामों को करने से मना कर देते हैं और कारण बताते हैं कि आचार संहिता लागू है, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। अब आपको बताते हैं आचार संहिता से क्या होता है। आचार संहिता का उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी केंद्रीय या राज्य की अपने आधिकारिक पदों का चुनावों में लाभ लेते हुए गलत प्रयोग ना कर सके और जनता को आकर्षण में ना ले सके। इस प्रकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का माध्यम से चुनाव का समापन उचित प्रकार से करा लिया जाता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।